पालघर से बच्चे को गायब करने वाला यानी किडनैप करने वाला गिरफ्तार हो गया। महाराष्ट्र में एक महिला द्वारा प्रेम प्रस्ताव ठुकराने से नाराज एक व्यक्ति ने उसके 8 साल के भतीजे का अपहरण कर लिया। आरोपी ऐसा करके महिला को सबक सिखाना चाहता था। यह घटना महाराष्ट्र के पालघर जिले की है। मंगलवार को पालघर ग्रामीण के जिला पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने मामले में कार्रवाई से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पालघर ग्रामीण पुलिस ने अपहरण के 4 घंटे के अंदर लड़के को छुड़ा लिया। साथ ही आरोपी को सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने बताया कि मामले की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी किडनैप लड़के के चाची से प्यार करता था, जिसने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इससे नाराज आरोपी ने महिला को सबक सिखाने के लिए तालासरी निवासी लड़के को सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे स्कूल के मैदान से किडनैप कर लिया था। जब लड़का स्कूल से घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। स्कूल में उसके नहीं मिलने पर माता पिता ने पुलिस से संपर्क किया। परिजनों की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 यानी अपहरण के तहत तालासरी पुलिस ने स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पालघर थाने के निरीक्षक अजय वसावे ने बताया कि खुफिया और तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने सिलवासा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लड़के को बचा लिया गया है और उसके माता पिता के साथ फिर से मिला दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। और ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए और वसई विराज की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे हमारे साथ VVL न्यूज।